नमस्कार, डीबी न्यूज में आपका स्वागत है। जिले में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन सतत जारी है। शुक्रवार को नर्मदापुरम कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने तहसील मनखेड़ी में खरीदी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। बता दें, धान खरीदी का जायजा भी लिया। सबसे पहले कलेक्टर श्री सिंह ने ग्राम बाचाबानी के सेवा सहकारी समिति पलिया पिपरिया खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने यहाँ धीमी खरीदी होने से ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लंबी कतार लगने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने उपायुक्त सहकारिता एवं उपार्जन संबंधी अधिकारियों को निर्देशित किया कि खरीदी केंद्र पर श्रमिकों की संख्या बढ़ाकर खरीदी में गति लाएं। उन्होंने केंद्र पर बारदाने खोलकर खरीदी गई धान की गुणवत्ता भी देखी। इस दौरान कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने केंद्र पर पेयजल फ्लेक्स आदि मूलभूत व्यवस्थाओं का भी अवलोकन किया। खरीदी केंद्र पलिया पिपरिया में पेयजल की उचित व्यवस्था न होने पर उन्होंने अधिकारियों पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि केंद्रों पर किसानों को कोई परेशानी न हो, का विशेष ध्यान रखें। केंद्र पर पेयजल सहित अन्य मूलभूत व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। इसके बाद कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने ग्राम नयाखेड़ा के खरीदी केंद्र सेवा सहकारी समिति बनखेड़ी पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने यहां किसानों से चर्चा कर खरीदी के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने केंद्र पर सुचारू रूप से धान खरीदी करने और केंद्र पर आधारभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश समिति प्रबंधक को दिए हैं। उन्होंने केंद्र पर खुले में रखी खरीदी गई उपज को शीघ्र गोदाम में रखवाने के भी निर्देश दिए। इसके बाद कलेक्टर सिंह ने ग्राम महालन बारा के मच्छेरा कल खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने किसानों से चर्चा के दौरान केंद्र पर खरीदी एवं अन्य व्यवस्थाएं सही पाए जाने पर संतोष व्यक्त किया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम पिपरिया संतोष कुमार तिवारी, जिला आपूर्ति नियंत्रक ज्योति जैन, उपायुक्त सहकारिता शिवम मिश्रा, डीएमओ देवेंद्र यादव सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। बनखेड़ी से खास खबर और भी खास जानकारी के लिए देखते रहिए डीबी न्यूज़।